हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं नियर टू सक्सेस। सो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर बहुत सारे कॉन्टेस्ट रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड हैं। चैनल का नाम चेंज कर दिया है, पहले यू शुड नो था, अब नियर टू सक्सेस है। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि यू शुड नो सर्च लिस्ट में नहीं आता था, राइट? इट वॉज़ वेरी कॉमन, सो आई डिसाइडेड टू चेंज द नेम। सेकेंड थिंग, जब आप YouTube यूज़ करने लगते हो, राइट, तो आपको नई नई चीज़ें पता चलती हैं। लाइक आप देख रहे होंगे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो चुके हैं, राइट, हो रहे हैं, बट जो बच्चे बेल आइकन प्रेस नहीं कर रहे हैं उनके पास नोटिफिकेशन जाता ही नहीं होगा कॉन्टेस्ट का। और मैं डेली बेसिस पे कॉन्टेस्ट अपलोड करती हूँ, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कभी ड्राइंग का होता है, कभी ऐसे राइटिंग होती है, तो वेरियस टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो आपके इंटरेस्ट के हो सकते हैं, राइट? तो बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है टू गेट ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन, राइट? अदरवाइज मिस हो जाएगा कॉम्पिटिशन और आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब जो हम बात कर रहे हैं आज, वो हम कर रहे हैं सेव द फ्रॉग्स आर्ट कॉन्टेस्ट के बारे में। तो अब यहाँ से तो ये क्लियर हो गया, ये एक आर्ट कॉन्टेस्ट है, तो आप अभी डिसाइड कर सकते हैं कि आपने पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, राइट? नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, मेन थीम है सेव द फ्रॉग, राइट? अब हमें पता है जो एम्फीबियंस की पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड वाइड एक्सटिंक्शन क्राइसिस में जाती जा रही है, और ऐसा रहा तो एक दिन फ्रॉग्स भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे, राइट? तो इस तरीके के कंपटीशन बेसिकली जो हमारे क्या बोलते हैं उनको, एनजीओज होते हैं ना, वो ऑर्गेनाइज कराते हैं। एनजीओज ऑर्गेनाइज कराते हैं, क्यों करवाते हैं? कि अवेयरनेस फैले, किसी तरीके से उनके पास थोड़ा बहुत डोनेशन आए जिससे कि वो इस चीज़ पर और काम कर पाएँ, क्योंकि हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, राइट? अब अगर आपका वाइल्ड लाइफ की तरफ इंटरेस्ट है तो आप इसमें डोनेट भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो वो आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो खाली आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। मोस्टली जो एनजीओज होते हैं वो कैश प्राइज नहीं रखते हैं अपने कॉम्पिटिशन्स में, क्योंकि उनके पास ना कलेक्शन ही नहीं होता, बट इन्होंने कैश प्राइज भी रखा है अगर आपका आर्ट सेलेक्ट होता है तो, राइट? तो इस कॉम्पिटिशन में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जो इसमें विनर होगा ना, उसको $100 मिलेंगे एज अ कैश, और जो उसकी आर्ट वर्क होगी उसको वेरियस सोशल मीडियाज़ पर भी अपलोड किया जाएगा, अक्रॉस आर्ट, जितना भी उनका बड़ा नेटवर्क होगा। मेंबरशिप भी मिलेगी उनको सेव द फ्रॉग की, और जो सेकंड थर्ड प्लेस पर जो आएंगे विनर्स, उनको बस कैश प्राइज़ नहीं मिलेगा, बाकी जो सब कुछ फर्स्ट प्राइज़ वाले को मिल रहा है वो सब कुछ उनको भी मिलेगा। जैसे कि सेव द फ्रॉग की मेंबरशिप भी मिलेगी, उनके जो मीडियाज़ होंगे, सोशल मीडिया नेटवर्क जो होगा उन पर आपकी आर्ट को पब्लिश किया जाएगा, राइट? तो ये सब आपके साथ भी होगा, बट द कंडीशन इज़ कि कैश प्राइज विल नॉट बी देयर। अब आगे बढ़ जाते हैं, जो कॉन्टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री है, राइट? बस इनका मेन मोटिव ये है कि इनकरेज करना, अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको कॉम्पिटिशन के बारे में पता चलेगा, और हो सकता है थोड़ा बहुत आप डोनेट भी कर पाएँ, राइट? आप कैश भी देंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? चेक भी दे सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, पेबल टू सेव द फ्रॉग, ठीक है? अगर आप चेक बनाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि इसको पे कर रहे हो आप, सेव द फ्रॉग को, और एनवेलप में डालकर उसको सेंड कर सकते हो। अब कॉन्टेस्ट के रूल थोड़ा समझ लेते हैं। ये कॉन्टेस्ट जो है वो 1 नवंबर तक चलने वाला है। आर्टवर्क आपका ओरिजिनल होना चाहिए, नो ट्रेसिंग ऑफ अदर आर्टवर्क, किसी और के आर्टवर्क को प्लीज़ मत भेजना, अपना ही ओरिजिनल आर्टवर्क भेजना। अगर आप टीचर हैं तो ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट यू कैन सेंड द एंट्री। आर्ट मस्ट रेफर टू सेव द फ्रॉग्स बाय इंक्लूडिंग विजिबली अनलेजिबल आइदर द फ्रेज सेव द फ्रॉग, राइट? अब जो फ्रेज़ यूज़ करोगे आप, सेव द फ्रॉग भी यूज़ कर सकते हो, सेव द फ्रॉग .com भी यूज़ कर सकते हो। अब सेव द फ्रॉग है कैपिटलाइज होना चाहिए विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो लोअर केस में लिखोगे, नो एक्सक्लेमेशन पॉइंट, राइट?
अगर आप दोनों चीज़ें लिख रहे हो सेव द फ्रॉग एंड सेव द फ्रॉग डॉट कॉम, तो एज इन द लोगो ब्लो, तो जैसा लोगो है वैसे ही आप लिखोगे। अब सबमिशन ऑफ आर्ट वर्क कॉन्स्टिट्यूट्स योर एग्रीमेंट ऑफ द आर्ट कॉन्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कभी भी आप किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो तो जो उनके रूल्स होते हैं ना वो आपको फॉलो करने होते हैं, राइट। तो फिर ठीक है, मैं आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेक कर उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।